महाराष्ट्र में मंत्री बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। जी हां, विदर्भ के विधायक विकास कुंभारे और टेकचंद सावरकर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पीए के नाम पर मंत्री पद के बदले पैसों की मांग की गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। नागपुर के विधायक विकास कुंभारे को शहरी विकास मंत्री बनाने वाला था। इतना ही नहीं तो वह विधायक टेकचंद सावरकर को भी मंत्री बनाने वाला था। खुद को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताकर यह ठग सेटिंग के नाम पर विधायकों से पैसे की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत कुंभारे ने पुलिस से की थी। कई दिनों से इस ठग की तलाश की जा रही थी। आखिरकार उसे अहमदाबाद के मोरबी से गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया यह शख्स नीरज सिंह राठौड़ बताया गया। अब देखना ये होगा कि आखिर नीरज ने भाजपा के कुछ चुनिंदा विधायकों को ही क्यों चुना। पिछले कई दिनों से नीरज लगातार कुंभारे को फोन कर रहा था। उसने बताया कि वह नड्डा का पीए है और करीबी है। इस पूरे मामले में कामठी के विधायक टेकचंद सावरकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 11 फरवरी नाशिक येथे महाराष्ट्र प्रदेश की बैठक होती आणि त्या बैठकीत असताना एक मला फोन आला आणि त्या फोन मध्ये नड्डा साहब आपसे बात करने वाले हैं अशा प्रकार की चर्चा त्या फोन मधून माझ्याशी केली। त्याच्यानंतर 2 तासांनी पुनः फोन आला आणि पुन्हा नड्डा साहब बिजी आहेत, बाद में बात करेंगे अशा प्रकार की चर्चा झाली। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या परिवारासह शिर्डीला गेलो। शिर्डीचा दर्शन घेतल्यानंतर बाहेर आल्यावर पुन्हा फोन आला कि नड्डा साहब आपसे बात करने वाले हैं आणि माझ्याशी नड्डा साहब म्हणजे बोलत होते। त्यांनी सांगितलं कि आपको महाराष्ट्र के कैबिनेट में जगह मिलने वाली है और आप ये बात किसी को मत बताइए और कुछ इलेक्शन चालू है, कुछ गरीब उम्मीदवार है, उसको थोड़ी मदद करना पड़ेगा असं म्हणून माझ्याशी त्या ठिकाणी नड्डा साहेब बोलले आणि पुन्हा मग त्या व्यक्तीचा पुन्हा 2 फोन आला कि आप कितना पैसा दे सकते हैं। तर मी जेव्हा पैशाची गोष्ट झाली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे काहीतरी गडबड आहे, काहीतरी बनवाबंदी आहे आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये अशा प्रकारे पैशाची कोणतीही चर्चा केली जात नाही आणि म्हणून पुन्हा त्याचा 2 फोन आला। मी ते टाळण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर त्यांनी माझ्याशी फोनवर बोलणं बंद केला। मी 1 रुपया दिला नाही परंतु 2 लाख रुपये त्याच्यातून कसे काढता येतील हा त्यांचा उद्देश होता। खरं म्हणजे हा लक्षात आला की हे कुठेतरी भापटा आहे आणि म्हणून मी त्यानंतर त्याच्या काही पुन्हा 2-3 आल्यानंतर पुन्हा फोन आला नाही, मी पुन्हा फोन केला नाही। महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए नए चेहरों को चुना जा रहा है। वह चाहे तो कुंभारे को भी शहरी विकास मंत्री बना सकते हैं। इसके लिए वह सीधे नड्डा से बातचीत कर रहा है। कुंभारे को मंत्री बनाने के लिए 167 करोड़ रुपए की डिमांड भी की है। कुंभारे को समझ आ गया कि फोन करने वाला कोई ठग है। उन्होंने सीपी अमितेश कुमार से मिलकर इस मामले की शिकायत दर्ज की। सीपी ने तुरंत नीरज की कॉल डिटेल्स खंगालने और लोकेशन का पता लगाने के आदेश दे दिए। इस मामले में तहसील पुलिस ने गुजरात से नीरज सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है।